नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप जिम ज्वाइन कर रहे हैं तो जाने से पहले कुछ बातें जरूरी हैं आपके लिए जानना। जिम में शुरुआती में अपनी शारीरिक क्षमता से अधिक वर्कआउट करने की कोशिश ना करें, इससे आपकी सेहत बिगड़ सकती है। दोस्तों, फिट रहना आज का हॉट ट्रेंड है, खासकर युवाओं के बीच। हर किसी को फिट रहना भी चाहिए, क्योंकि इससे आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहती हैं। क्रिकेटर हो या कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी, सभी खुद को फिट रखने के लिए घंटों जिम में जाकर वर्कआउट करते हैं। आज युवाओं में भी जिम में वर्कआउट करने का क्रेज बढ़ गया है, इसलिए वे लोग जिम, एरोबिक्स, डांस, जुम्बा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। बेशक जिम जाकर पसीना बहाने से वजन कम होता है, शरीर से अतिरिक्त चर्बी कम होती है, लेकिन पहली बार जिम ज्वाइन कर रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट से सलाह लेना जरूरी है। मेरे दोस्त, आप घंटों जिम में वजन कम करने के लिए पसीना बहाएं, लेकिन जब तक कुछ खास बातों पर ध्यान नहीं रखेंगे आपको फायदा नहीं होगा। यदि आप सेलिब्रिटी को टीवी या सोशल मीडिया पर जिम में वर्कआउट करते देखकर प्रभावित होते हैं और जिम ज्वाइन कर लेते हैं, तो ऐसा करना ठीक नहीं। सबसे पहले आपको अपनी बॉडी की क्षमता और ताकत को समझना होगा। कहीं आपको शारीरिक तकलीफ तो नहीं, जैसे कमर दर्द, जोड़ों और कंधों आदि में दर्द, या किसी तरह की परेशानी तो नहीं है? यदि ऐसा है तो एक्सरसाइज हमेशा ट्रेनर की देखरेख में ही करें। पहले ही दिन जिम जाते ही हैवी मशीन पर एक्सरसाइज करना शुरू ना कर दें। पहले हल्के फुल्के व्यायाम से शुरुआत करें, जैसे वार्म अप और स्ट्रेचिंग। इससे शरीर की मांसपेशियों को खुलने में मदद मिलती है। शुरुआत में लगातार एक्सरसाइज करने से बचें। पहले दिन से लेकर 5 दिन तक आधे घंटे ही जिम में वर्कआउट करें। बीच बीच में 1 से 2 मिनट का ब्रेक लेते रहें, वरना आप बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर सकते हैं। अपनी शारीरिक क्षमता से अधिक वर्कआउट करने की कोशिश ना करें, इससे आपकी सेहत बिगड़ सकती है। जिम जाने से पहले और जिम से आकर तुरंत ही हैवी खाना ना खाएं। खाने के बीच में थोड़ा सा अंतर रखें, खाली पेट जिम ना जाएं। हल्का फुल्का नाश्ता जैसे सेब, केला, बिस्कुट, ब्राउन ब्रेड आदि खाकर ही जाएं। शाम को जिम जाते हैं तो खाना खाने के 3 घंटे बाद ही एक्सरसाइज करें। यदि आप हर दिन जिम जाती हैं तो एक्सरसाइज करने के साथ साथ संतुलित आहार लेना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो आप शारीरिक रूप से कमजोर पड़ सकते हैं। जिम में हर तरह की एक्सरसाइज करें। पेट को शेप में लाने के लिए सिर्फ पेट से जुड़ी एक्सरसाइज करना गलत है। इससे पेट में से चर्बी घटाने के चक्कर में शरीर का अन्य भाग असंतुलित हो जाता है। मिक्स एक्सरसाइज करें ताकि आपके शरीर को पूरा फायदा मिले। अगर आपकी उम्र 30 से 40 के बीच है या उससे अधिक है, तो बॉडी बनाने में जल्दबाजी न दिखाएं। फिटनेस ट्रेनर से संपर्क करें, उसके बाद ही जिम में पसीना बहाने जाएं। साथ ही किसी तरह के स्टेरॉयड का इस्तेमाल भी ना करें, नहीं तो शरीर के अंग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। फिटनेस प्रोग्राम को सही तरीके से गाइड करने के लिए जिम में अच्छे प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स, फिटनेस एक्सपर्ट्स, फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशंस आदि से होने चाहिए। जहाँ ऐसे एक्सपर्ट मौजूद होंगे तो ही उस जिम को ज्वाइन करें। तो दोस्तों, ये थे जो बातें जो आपको जिम जाने से पहले आपके लिए जानना जरूरी हैं। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।